मशीन थी सर, मेडिकल था या मशीन थी सर? मेडिकल था या गैस कटर था? कटर था जो सर, मेडिकल थी या कटर था? तो देखिए यहाँ पर तो जानकारियां नहीं दे रहे हैं कि क्या वो मशीन थी क्या मेडिकल, लेकिन यह बता दें कि जो देखने से प्रतीत हो रहा था मेडिकल इक्विपमेंट्स नहीं थे, क्योंकि मेडिकल इक्विपमेंट्स के लिए पहले से एक गाड़ी यहां पर आई थी जिससे मेडिकल इक्विपमेंट्स उतारे गए थे। फिलहाल उसके बारे में उन्होंने ब्रीफ नहीं किया है और कुछ ऑफिशियल्स भी लगातार एक्सपर्ट्स भी यहां पर आ गए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर सर काम सर काम कैसा चल रहा है सर? सर सर एक सवाल सर सर, क्या मशीन खराब हो गई है क्या सर? खराब हुई है सर, क्या खराब हो गई है सर? खराब हुई है, एक सवाल ले लीजिए सर। देखिए जो ऑफिशियल्स यहां पर आ रहे हैं, अभी कोई भी जानकारियां यहां पर नहीं दी जा रही है, लेकिन कुछ हलचल यहां पर तेज हुई है। लग रहा है कि एक्सपर्ट्स टीम के आने से पहले यहां पर उस पिलर को तोड़ने का कुछ प्रयास यहां पर किया जा रहा है। बिल्कुल अनुपम, लगातार ग्राउंड जीरो पर आप बने हुए हैं, हर तस्वीर हम तक पहुंचा रहे हैं, आप बने रहिएगा। टनल के बाहर हलचल तेज हो गई है, बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, टनल में पहुंचाया मशीन का एक पार्ट, एम्बुलेंस से इन पार्ट्स को ले जाया गया और जैसे ही एम्बुलेंस टनल की ओर बढ़ी हलचल काफी तेज हो गई। रेस्क्यू से जुड़ी हुई पल पल की अपडेट, पल पल की खबर न्यूज 18 आपको लगातार दे रहा है और मशीन के पार्ट्स, माना जा रहा है कि जो मलबा पिलर के आसपास फंसा हुआ है उस मलबे को कैसे हटाया जाए, इससे पहले सरिये को मैन्युअली काटा गया था, लेकिन अब माना जा रहा है कि अब जो पार्ट्स लेकर आए हैं उन पार्ट्स की मदद से और ज्यादा बेहतर तरीके से रेस्क्यू हो पाएगा और इसी के लिए इन पार्ट्स को यहां पर ले जाया गया है। हो सकता है ये मशीन के पार्ट्स हो, हालांकि कोई भी अधिकारी इस बारे में बात करता नहीं नजर आया, लेकिन टनल में मशीन के पार्ट्स पहुंचे हैं ऐसा माना जा रहा है। हमारे सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं अनुपम, और इस वक्त टनल के बाहर हलचल काफी तेज हो गई है। जब सवाल ये पूछा गया कि क्या मशीन में कोई खराबी है, क्या ऐसा कुछ हुआ है, तो उस बारे में भी उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, 5 से 6 घंटे का और इंतजार अब करना होगा और उसके बाद मजदूर बाहर आ जाएंगे ऐसा माना जा रहा है। लेकिन दिल्ली से जो टीम पहुंचेगी, 7 टेक्नीशियंस की ये टीम है, वो टीम किस तरह से काम करेगी, किस तरह से मदद करेगी, ये देखना होगा। और अभी तक 45 मीटर तक की खुदाई हो चुकी है, लेकिन अभी बाकी का जो वक्त बताया जा रहा है 6 घंटे और लग सकते हैं, क्योंकि अभी तक रास्ते में जो सरिया आ गया था उसकी वजह से रेस्क्यू को रोकना पड़ा था। टनल के बाहर की ये हलचल हम आपको दिखा रहे हैं, जैसे ही एम्बुलेंस टनल की ओर बढ़ी हलचल तेज हो गई और ये लगा कि क्या मेडिकल इक्विपमेंट्स यहाँ पर ले जाए जा रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं था। जो उसमें से एम्बुलेंस में से निकालते हुए कर्मचारी दिखाई दिए वो कोई ऐसा पार्ट था जो मशीन का ही कोई पार्ट था और जिसकी मदद से और ज़्यादा सरल तरीके से कटिंग हो पाएगी और ज़्यादा सरल तरीके से इस रेस्क्यू को पूरा करने में मदद हो पाएगी। फिलहाल ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, लगातार एम्बुलेंस के जरिए पार्ट्स लाए गए और लगातार पल पल की अपडेट न्यूज 18 आपको दे रहा है। तो माना जा रहा है कि यहां पर अगर मशीन खराब हो गई होगी इसीलिए इन पार्ट्स की जरूरत पड़ी, इस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही है, लेकिन अभी सीधे तौर पर किसी अधिकारी ने इसे लेकर कुछ भी नहीं कहा है, औपचारिक तौर पर ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। लेकिन ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि अगर मशीन में हो सकता है कोई खराबी आई हो जिसके चलते इन पार्ट्स को मंगवाना पड़ा ताकि अगर मशीन सही तरीके से आगे रेस्क्यू पूरा कर पाए।